पनेर के कमिश्नर उर्मिला राजौरिया ने शहरी रैन बसेरों और इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया है और श्रीगंगानगर रोड पर प्राइवेट बस स्टैंड, फायर स्टेशन और रेलवे स्टेशन के पास मटका गली में बने रैन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि रैन बसेरों के बाहर रैन बसेरे का बड़ा बोर्ड लगाया जाए ताकि जरूरतमंद और आमजन भी इसका उपयोग कर सके। साथ ही रैन बसेरे में रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करने वाले संभागीय आयुक्त की हौसला अफजाई की गई। नवतेज टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने बीकानेर के संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरी से इस बारे में खास बातचीत की। राजस्थान की मरु नगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर में इन दिनों कड़ाके की ठंड चल रही है। हालांकि जो पूरे प्रदेश में है, लेकिन खास तौर पर बीकानेर में जहां रैन बसेरों जो कि नगर निगम के द्वारा संचालित है, वहीं इंदिरा रसोई जो चल रही है, उनकी क्वालिटी के लिए मतलब उनको देखने के लिए एक तरह का विशेष अभियान चल रहा है बीकानेर की कमिश्नर उर्मिला राजौरिया जी के द्वारा। बात करते हैं, आज विशेष रूप से इन्होंने जांच करके आई। देखिए, जैसे कि प्रदेश में इस समय बहुत ही भीषण सर्दी है, मौसम में अचानक इतना तापमान में गिरावट आई है। आज तो जैसा बताया कि बीकानेर का 6 ही आ गया है तापमान, तो इस समय मैंने यह देखा कि यहाँ पे ऐसे जो यात्रीगण हैं, राहगीर हैं या रहने वाले यहाँ के स्थायी तौर से, जिनका कोई आवास की उचित व्यवस्था नहीं है, जो आम तौर पे फुटपाथ पे या कहीं पे भी अपना व्यवस्था करके रात में सो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को सर्दी की दृष्टि से निगम प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं, इसको देखने के लिए मैंने आज नगर निगम द्वारा संचालित 4 रैन बसेरों का कमिश्नर नगर निगम के साथ में निरीक्षण किया। और ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरी आशाओं के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं हैं, जैसा मैं सोच रही थी तो अच्छी पाई गई। कहीं कहीं पे जो उनके खाने पीने की व्यवस्था है वो पास ही में संचालित इंदिरा रसोई से की जा रही है, तो वहाँ पे मैंने साफ सफाई को लेकर उनको निर्देशित किया कि वो व्यवस्थाएं और अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि सभी के लिए एक साथ जब खाना बना रहे हैं तो किसी भी तरह की गंदगी नहीं हो और उसकी क्वालिटी को वो देखें। और जो इंदिरा रसोई में खाना दिया जा रहा है उसमें भी मैंने जानकारी की, तो वहाँ पे उनको जो निर्धारित दर है उसी पे खाना उपलब्ध कराया जा रहा है और सभी उसका लाभ ले रहे हैं। इसी तरह से रैन बसेरों में भी उनके अच्छे कंडीशन में बेड थे, कंबल उनको दिए गए थे, और कुछ तो रहने वाले वहाँ ऐसे हैं जो कि लगातार काफ़ी समय से वहीं पे रह रहे हैं, उनके लिए लॉकर की भी व्यवस्था है। और कुछ इस तरह का, जैसा कि हम जानते हैं, जिनका कोई घर परिवार नहीं है वो यहीं पे रह रहे हैं, काफ़ी समय से रह रहे हैं, आमतौर पे फुटपाथ वगैरह पे भी सो जाते हैं या कोई किसी छोटी मोटी अपनी मजदूरी कर लेते हैं, कुछ सड़क वगैरह पे भी उनको जो इस तरह का दान आदि मिल जाता है उससे अपना निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी अगर आवश्यकता होती है तो वो इन रैन बसेरों में रात में अपना रात्रि विश्राम करते हैं और उनका बाकायदा इंदराज किया जा रहा है। सभी जगह पंजिकाएँ संधारित की जा रही थी, मैंने ये जानकारी भी ली कि कितने लोग प्रतिदिन इन रैन बसेरों में रह रहे हैं, और एक दो जो वहाँ पे मुझे रहते हुए पाए गए नागरिक उनसे मैंने बात भी की, उनके आधार नंबर भी कुछ के तो उन्हीं केंद्रों से बनवाए गए हैं, जैसा कि मुझे नगर निगम प्रशासन के जो कर्मचारी थे उन्होंने जानकारी दी। अगर हम बात करें तो देर रात तक यहाँ पर मार्गों के बीच में, आसपास में, साइडर फुटपाथ में यहाँ लोग सोते हुए मिल जाते हैं, चाहे बैगर्स लोग होंगे या जिस तरह के लोग होंगे, उन लोगों के लिए भी विशेष अभियान चला के उनको रैन बसेरे भेजने का कुछ प्रावधान किया? उन सबको जानकारी दी जाती है और उन सबको कहा भी जाता है। मैं यही कहना चाह रही थी कि निगम प्रशासन की टीम है, उनको कहा जाता है और उनको बताया जाता है कि आपके पास ही में ये रैन बसेरा है, आप फुटपाथ की बजाय या कड़क सर्दी में कोई बीमार हो जाए या कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना हो तो उन सबको कहा जाता है और रैन बसेरों में उनको लाया भी जाता है। करने के लिए मैंने निगम प्रशासन को और भी निर्देश दिए हैं कि और अगर कंबल हैं उनको वितरण करने के लिए भी वो देखें, अगर आवश्यकता होती है अभी भी रात में वो अपनी टीम से सर्वे कराएं, कहीं पे भी इस तरह के व्यक्ति जो फुटपाथों पे इतनी भारी सर्दी में सोए हुए पाते जा रहे हैं तो उन्हें वहीं पे कंबल भी दें और इन रैन बसेरों में लाने के लिए कहें। तो देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर में खासतौर पर अगर नगर निगम की बात करें और बीकानेर की कमिश्नर की बात करें उर्मिला राजौरिया जी की, जो कि बराबर पूरी तरह से चाक चौबंद है और आम जन को एक तरह से ठंड से बचाने का प्रयास कर रही है, खासतौर पर एक औचक निरीक्षण भी आज किया गया रैन बसेरों में, तमाम तरह की व्यवस्थाएं जहां माकूल पाई गई वहीं अब
रात में नगर निगम की टीम को ताकीद किया गया है कि वे रात में घूमें और जहां भी फुटपाथ के आसपास जो लोग सो रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं उन्हें वहां से हटा के रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए ताकि उन्हें पूरी तरह से सर्द हवाओं से और सर्दी से बचाव हो सके। केके सिंह, बीकानेर।